और एक नए ब्लॉग में, और आज का ब्लॉग में गांव का कुछ नज़ारा होगा, खेत खलियान का नज़ारा होगा। हम गांव में हैं और गांव का सारा कुछ दिखाने वाले हैं, यहां का जो परिवेश है और गांव में जितने चीज़ें होते हैं बहुत ही प्यारे होते हैं, यहां का खुले आसमान, खुले हवा। तो ये तो जो तालाब देखे, इस तालाब में हम लोग बचपन में नहाते थे, बहुत ही मस्ती करते थे। और बारिश अभी हो रहा है ज़बरदस्त, और पूरा गांव का नज़ारा कुछ इस तरह है, जो है कि बारिश हो रहा है और खेत उत में पानी भरा हुआ है। और हम थोड़े जा रहे हैं इस तरफ, आप लोग को दिखाएंगे गांव का नज़ारा, बहुत ही प्यारा होता है, मस्त होता है। और बने रहिए, आप लोग को दिखाते रहेंगे। जब आगर है ना, नहीं तबे हाँ नहीं है दाढ़ी का पच्ची वाला की करवा देवे हाँ बोचवा नहीं आनवा हाँ के काम करके जाते ले हाँ हर दिया वेस्ट बंगाल हाँ आतरे जीवे ना नहीं हाँ बेंगलोर जीवे ये सबसे पुराना वाला दुकान, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो ये वाला दुकान हुआ करता था। और हम लोग जो लेमचूस होता था, लेमचूस 5 पैसा में 5 टो मिलता था, वो यहाँ पे हम लोग खाते थे। और ये देखिए मिनिस्टर का घर, जो कि सोहरे और राम उनका घर है। ये पांच बार ये MLA रह चुके हैं चंपुआ निर्वाचन मंडली का। ये सोहरे और राम जी का घर है और वो तो अभी एक्सपर्ट कर गए हैं, उनका अभी कोई यहाँ कोई रहता नहीं है। और ये हम लोग का गांव का सेंटर पंडल है, और यहाँ पे हम लोग का जो भी प्रोग्राम होता है इस जगह पे होता है। अभी देखिए पूरा घास फूस होके भरा हुआ है, और ये है वही पीपल का गाछ जिसके नीचे हम लोग का मीटिंग वगैरह होता है। और ये गाछ देखिए काफ़ी बड़ा है, और ये वही जगह है। वर्षाटा तो छाड़िया नहीं ना कि हमारे विश्वकर्मा पूजा कमती करूँ, पता नहीं।
एक गांव का अंतिम हिस्सा है जहां हम लोग गांव से निकलते हैं तो ये रास्ता से हम कहीं भी जाते हैं। और उस तरफ स्कूल है, हम लोग का प्राइमरी स्कूल, जहां पे हम लोग पढ़ाई किए थे। और संपूर्ण गांव का नज़ारा कुछ इस तरह है। और एक गांव का आखिरी हिस्सा में देखिए, खेत खलिहान इस तरह है, भरा भरा है पूरा, सब जगह में खेती किया गया है धान का। और फिर नेक्स्ट में आएंगे जब खेत में कटाई छटाई हो रहा होगा, उस समय का वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा। तो अभी धान लगाया गया है सब में, देख सकते हैं नज़ारा।